जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आज है जी सितंबर की 5, दिन है पीर का, टाइम तकरीबन 4:15। अच्छा, फैसलाबाद का जो जलसा हुआ, मैंने तो खैर खान साहब की वो स्पीच नहीं देखी लाइव, मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी वैसे अभी फ़िलहाल, लेकिन हम सबको पता है कि बड़ी खप पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे भी, और आर्मी के जो है आर्मी की तरफ से भी, जजेस की तरफ से भी, और सियासतदानों की तरफ से भी, और बाकी सारे। तो जो सियासतदान तो खैर चवली होते हैं जनरली, तो उनकी तो खैर बात की कोई वैल्यू खास नहीं होती है। मरियम नवाज़ जो मर्जी बोंगी मारें, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, नवाज शरीफ सब गंदे चबल चोर लोग हैं ये, इनका तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस बात पे शदीद अफसोस है वो है अतर मिनला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जो DGI SPR हैं। इस पे हम, मैं कोई और लफ्ज़ यूज़िंग करना चाहता, क्योंकि ये दो वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी जनरल पब्लिक रिस्पेक्ट करती है, ख़ास तौर पे आर्मी की करनी भी चाहिए, यू नो, फॉर ऑब्वियस रीजंस जाने देते हैं, बेशक उनकी जॉब है, लेकिन बहरहाल जान देना जॉब से ऊपर की चीज़ है। और जो कोर्ट्स हैं, ज़ाहिर है वो एक अल्टीमेट अदारा है, उसके ऊपर और कोई चीज़ नहीं है। तो इन दोनों पे आपको अल्फाज भी, वो भी देख के रिस्पेक्ट तो क्योंकि अल्टी हर बंदे के दिल में है, सोए जो नून लीग वालों के दिल में, क्योंकि अगर आप नून लीग वालों के बयान देखेंगे तो उन्होंने किसी जज को नहीं छोड़ा, ठीक है ना, बेंच फिक्सिंग और सारी कहानियाँ, उन्होंने किसी और इदारे को नहीं छोड़ा, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं छोड़ा, टांगे कांप रही हैं, और हमारा गोश ने छोड़ लिया, सारा वो आपको पता ही है, एहसन इकबाल ने क्या क्या बेहूदगियाँ की हैं, मरियम नवाज़ ने क्या चबलें मारी हैं, डीजल ने क्या गंद फैलाया है, सब ने, नवाज शरीफ ने, सरदारी ने, बिलावल तक, बिलावलों ने, बिलावल साहबा ने भी बड़ी भोंगी मारी है आर्मी के खिलाफ। तो इन दोनों इदारों की तरफ से बयान आना, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस की तरफ से, जो अतर मिनला साहब हैं, ऑब्वियसली बहुत रिस्पेक्टेड हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना कि खान साहब को उन्होंने एक लिहाज से रेप्रीमेंड किया है, तो वो इंतहाई अफसोसनाक है। यानी कि उनसे आप ये ऐसे बंदे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस बात पे, वो खान साहब पे तनकीद करेंगे, जब उन्हें पता है, जब उन्हें क्लियरली पता है कि दूसरी साइड पे क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, या तो हो ना खान साहब अकेले हों तो फिर उनकी हर बात आप पकड़ें, जब बाकी और पार्टीज़ भी हैं और वो इनसे बहुत बहुत बेहुदा बयान दे रही हैं, बहुत बहुत बेहुदा, तो उन पे आप तनकीद नहीं करते जो कि समझ से बाहर है। लेकिन अब खान साहब की हर बात, खान साहब ने अगर जो पानी है दो ग्लास पी लिया है तो आप उन पे तनकीद कर देंगे कि आपने पानी दो ग्लास क्यों पिया है, ये तो एक ग्लास पीना चाहिए, ये तो गद्दारी है मुल्क के साथ। तो चीफ जस्टिस साहब का बयान तो इंतहाई अफसोसनाक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंतहाई अफसोसनाक है। उन पे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं समझता कि इंतहाई न्यूट्रल हैं, इंतहाई अनबायस्ड हैं, वो हर चीज़ तोल के बात करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने वो जो है ना अपनी वो नहीं दिखाई। ऑब्वियसली कोई रीज़न होगी, ये ऐसे लोग नहीं हैं कि जो हर चीज़ ऐसे ही मुँह से बोल देते हैं, ठीक है ना, ये उस लेवल पर हैं कि उनकी हर बात में कोई वजन होता है, कोई बात होती है, पीछे भी एक बात होती है, उसके पीछे रीजनिंग होती है, कोई रीज़न तो होगी डेफिनेटली। लेकिन हम चूँकि बाहर बैठे हुए हैं तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से वो बात एक लिहाज से नाजायज़ थी, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर करनी भी थी तो एक बैलेंस करते, साथ ये भी कहते कि उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, नून ने क्या कहा, तो डीजल ने क्या कहा, तो खान साहब ने क्या कहा, तो उसको एक बराबर एक इनके एक इवन प्लेइंग फील्ड में ला के बात करते, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वन साइडेड वो कह दिया कि जी बयान खान साहब को नहीं करना चाहिए, ये आईनी बयान भी है कि नहीं, मगर बहुत आगे चले गए वो, अगेन कोई रीज़न होगी। और दूसरी तरफ जो है, जो हमारे DGI SPR हैं, उन्होंने जो बयान दिया है फ़ौरन से पहले, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए, अफसोसनाक से ऊपर हम कोई लफ्ज़ यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है ना, इस चीज़ में हम अफसोस ही कर सकते हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव से वो बयान नाजायज़ है, खान साहब पे तनकीद करना नाजायज़ है। रीज़न वही है कि अगर तो खान साहब अकेले होते तो फिर आप ज़रूर तनकीद करते, कि खान की हर बात पकड़ते, आपके खान ने ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया, इस स्टैचर का बंदा ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब दूसरी तरफ लिटरली गालियाँ दी गई हैं, आपको, तो आप
किस तरह, मतलब ये ऑडेसिटी आप में आती कहाँ से है, इस पाए के बंदे में या इस पाए के डिपार्टमेंट में ये ऑडेसिटी कहाँ से आती है कि आप एक साइड को आप सुनते नहीं हैं वो क्या कह रहा है, इधर आप हर छोटी बात पे कहते हैं कि जी ये गद्दारी हो गई तो आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, तो पता नहीं क्या क्या हो गया, समझ से बाहर है। जब आपको पता है कि उधर उधर क्या कुछ हुआ हुआ है, हर पार्टी ने, नून लीग ने तो सबसे ज़्यादा क्योंकि सबसे गंदी पार्टी वही है, उसके बाद जरदारी ने भी अनी पाई हुई है, उसके बाद डीजल ने भी नहीं कुछ नहीं छोड़ा। तो देखना ये दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी हमारे दिल में खाम का कदर है। खाम खा से मुराद ये नहीं है कि वो कदर ना जायज़ है, लेकिन है कि हमारे इनहेरेंट है, हम समझते हैं कि ये एक दोनों जो है रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं। आप देखा होगा कुछ बंदे होते हैं ऐसे जो जब तक खामोश रहते हैं ना तो उनकी इज्जत होती है, जैसे भी बोलते हैं, आपकी मरी मौरंगज़ेब हो गई, मरी नवाज हो गई, हिना परवेज भट्ट हो गई, इनके जैसे इनका मुंह खुलेगा तो गंदगी मुंह से बाहर निकलेगी। गंदे लोग हैं ज़ाहिर है कि वो गंदगी निकलेगी, कोई अच्छी बात नहीं कभी ज़िंदगी में। आप कोई स्पीच निकाल लें इन तीनों की, ज़िंदगी कोई स्पीच निकाल लें, वो घटिया स्पीच ही होगी। तो जब तक खामोश रहती हैं तो ठीक है कि ये आम खातून है, ठीक है, ठीक है आपके शक्कर डड्डू चार्जेस मिलती है, लेकिन वो चलें, वो हम उसको नहीं देखते, लेकिन बहरहाल, लेकिन जैसे बोलेंगी मुंह खोलेंगी बकवास। तो यानी कि आप समझते हैं कि जहीन लोग होंगे, मतलब डी जी एस पी आर हमारे जहन में है कि भाई ये इस लेवल पे हैं, यानी कि ये वो ब्रिज है आर्मी का और पब्लिक का, तो इतना ये सेंसिटिव वो है, एक बॉडी है जो वहाँ बंदा होगा जो इंटरप्रेट कर रहा होगा आर्मी और दोनों के दरमियान, वो कितना कुछ जहीन आदमी होगा। ज़ाहिर है उसका, हम तो यही कहेंगे ना एज ए ले मैन के भाई वो तो वाकई किसी बात पे किसी वजह से वहाँ पे है। लेकिन ये जो उन्होंने रिसेंटली बयान दिए हैं सारा, वो जो है ना वो एक भरम नहीं होता आपका आईक्यू का, इंटेलिजेंस का, वो सारा धड़ाम से गिर पड़ता है। याद होगा आपको जब जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट टॉपल हुई थी तो उन्होंने फौरन आके बयान दिया, छूटते ही बयान दिया कि जी स्टॉक एक्सचेंज ठीक हो गई है। इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल आपका कमेंट था, इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल। वो तो वाजे और लग रहा था कि आप बायस्ड हैं, मतलब आपसे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता ऐसी बात करने का। ये भी आपने वही काम किया, यानी कि खान साहब जब भी कुछ बोलें तो आप उठ के आ जाते हैं कि जी ये तो जो है म्यूटनी हो गई, तो ये अवाम, ये तो आर्मी में रैंक्स एंड फाइल्स में गद्दारी का हो गया, उधर से आपको गालियाँ पड़ रही हैं, उधर आपका कोई बयान नहीं आता, या तो वहाँ पर भी बयान दें ना, ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है, सारी सियासी पार्टीज़ हैं, सबको इवन प्लेइंग फील्ड मिले, खान है, डीजल है, पटवारी हैं, उधर जाले हैं, सबको इवन ले ना आप, हर बंदे की बात पकड़े ना, फिर तो बात है। लेकिन ये तो वाजे लग रहा है कि उधर आप कहते हैं हाँ जी आप तुम जो मर्जी बोलो, मैंने खान को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो ये आपने अपना भरम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, और जो कि नहीं आना चाहिए आर्मी का ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारे बींग ए मुस्लिम पाकिस्तान ज़ाहिर है इस्लामिक स्टेट है, तो उसके दिल में वो जो शहादत है, वो जो गाजी है, वो सारा कुछ जो है ना, वो हम जो पाकिस्तानी लोग हैं उस एंगल से देखते हैं, ठीक है ना, शहीद हो गया, गाजी हो गया, अंग्रेज ऐसे नहीं देखते, ठीक है ना। तो हमारे दिल में वो होता है, उस तरह का रिस्पेक्ट है कि जी रिलीजियस शहादत और वो सारा कुछ। पर आप अपना जो है ना अपनी बातों से या शो कर रहे हैं कि आपका आईक्यू वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारे दिल में था, वो ऐसा ऐसा एक एक करके, एक एक दीवार करके, एक एक ईंट करके वो नीचे आ रहा है, ठीक है ना। दो आपने जो खास बातें की हैं, दो तीन, उनसे तो बिल्कुल ही जो है ना ऑलमोस्ट एतवार उठ गया आप पे कि आप यार ये क्या, ये कौन लोग हैं ये, मतलब उधर आपको गालियाँ पड़ रही हैं लिटरली, उधर आप कुछ भी नहीं कहते, आपके मुँह से एक फिक्र नहीं निकलता कि जी मरीम ने क्या कह दिया, नवाज शरीफ ने क्या कह दिया, उधर आपको वो धड़ाधड़ गालियाँ दे रहे हैं, जब दिल करता गाली देते हैं, जब दिल करता तारीफ करते हैं। लेकिन खान तो कंसिस्टेंट है, खान तो तारीफ ही करता है हर वक्त आर्मी की, लेकिन यहाँ खान से कोई एक बात निकले जो डिबेटेबल भी हो उसको आप पकड़ लेते हैं। तो ये देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अगर तो हम हो ना कोई लेफ्टिनेंट जनरल हो, हम आपके रैंक्स के कोई करीब करीब हों, तो फिर तो हमें ये बातें करना सूट भी करता है, ठीक है ना। हम इस लेवल पे हैं कि हमारा आपसे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हमें ये सूट भी नहीं करता आप पे तनकीद करना, क्योंकि इतना फ़र्क है बीच में, आप उस एक हाई इंतहाई हाई पेडस्टल पे हैं पाकिस्तान में,
आप चंद टॉप के जो जो 15-20 बंदे हैं आपका उनमें शुमार है, और हम जो हैं हम तो मैस हैं, हम तो वह हैं जो करोड़ों में आते हैं। तो हमारी वो यानी कि हमारा तो आप पे तनकीद करना बनता नहीं है, लेकिन आप जब बातें ऐसी करते हैं ना जो कि जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, जिसके लिए कोई आइंस्टाइन का दिमाग नहीं चाहिए उसको तनकीद करने के लिए, वो कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है ना, आपने खान पर तनकीद की है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक है आप खान पर तनकीद करें, लेकिन बाकी पे तो करें। ठीक है ना, तो अब ऐसे नहीं हो सकता कि इशारे पे आपने यानी कि एक बाइक को तो रोक लिया है, आपने एक गाड़ी को जाने दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो कहेगा यार उसको भी तो रोको, उधर आपको गालियां पड़ रही हैं, उधर कुछ भी नहीं हो रहा, यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम ये नहीं कह रहे कि, लेकिन ये कि आपका जो है ना वो एक होता है ना, एक आपकी मॉरल ग्राउंडिंग होती है अवाम के दिल में, वो फिर ऐसा ऐसा ना फिर वो गिरनी शुरू हो जाती है। ट्रस्ट अचीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उस लेवल पे हम जहाँ पे आप किसी पे अनेवा ट्रस्ट करें, लेकिन ट्रस्ट गिराना बहुत आसान है। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग बनाना वो 6 महीने साल 2 साल डिपेंडिंग बिल्डिंग कितनी बड़ी है, उसे गिराना 4 बम मारो बिल्डिंग नीचे, तो ये वो सेम सीन है। तो आप अपना जो ट्रस्ट है ना उसको अपनी ये जो मशकूक किस्म की बातें हैं उनकी वजह से आप अपना मेयार जो है ना अपने जो आपकी क्वालिटी हमारे जहन में थी वो क्वालिटी ऐसा ऐसा गिर रही है कि यार ये तो इंतहाई बायस लोग हैं, ये तो हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम तो कह रहे थे कि वो तो जो बोलेगा उसको पकड़ लेंगे। आप ऐसा आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया आपने, वो आपको नंगी नंगी गालियां दे रहे हैं कि जी वो आपको आर्मी स्टाफ की टांगें कांप रही थी, आपने क्या किया उसके बारे में? ठीक है ना, तो या तो आप कोई बात ना करें, आप कोई बात ना करें, अवाम को करने दें, सियासतदानों को करने दें, ये जो लफाफे हैं वो बोलते रहें, वो चबले मारते रहें, मरियम अपनी बोंगियां मारते रहें, वो ठीक है, वो सियासत है, उनको जायज़ है, या तो आप ना बोलें, लेकिन अगर आपने बोलना है तो फिर आप सब सब के लिए बराबर बोलें। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ खान की हर बात को पकड़ लें, आप खान ने बाइक क्यों चला ली, खान गाड़ी में क्यों बैठ गया, खान ने चॉपर क्यों चला लिया, खान ने पानी क्यों एक्स्ट्रा पी लिया, खान ने जो है अब आज शूज़ क्यों अच्छे पहन लिए हैं। भाई ये तो कोई तरीका नहीं है ना, आप तनकीद करें तो फिर सब पे बराबर तनकीद करें, नून लीग पे भी तनकीद करें, उन पे भी केस करें आप। ठीक है ना, खान की स्पीच का कोई मुकाबला ही नहीं है उनकी स्पीचेस से, खान ने क्या बात की है, खान ने तो यही कहा है ना कि आप क्या कह रहे हैं, यानी कि आपकी तनकीद से तो मुझे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं इम्प्लिसिटली कि जी आर्मी जो है वो एक परफेक्ट इदारा है, उसमें कोई फरिश्ते हैं, उसमें कोई नबी हैं, उसमें कोई पैगंबर हैं सारे, जो कोई गलती नहीं कर सकते, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, ब्लैक शीप हर इदारे में है, हर डिपार्टमेंट में है, पाकिस्तान के हर इदारे में अच्छे बंदे भी हैं जैसे दुनिया में होता है, ये कोई पाकिस्तान कोई कुछ जन्नत नहीं है। ठीक है ना, कि सारे फरिश्ते आ गए हैं आर्मी में, ऐसा तो नहीं है। देखिए मार्शाला लगे हैं ना, खर ज़ियाने मार्शाला लगाया नहीं है, क्या वो सही कदम था? मुशर्रफ ने क्या किया? मार्शाला लगाया ना, तो जनरल थे ना वो आखिर। तो ये जो आर्गुमेंट है कि भाई नहीं 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 हमारे तो आप लॉयल्टी पे नहीं कर सकते, तो लॉयल्टी पे तो कोई भी नहीं कर रहा, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप गद्दार हैं। ठीक है ना, हर पाकिस्तानी के दिल में जो है वो मतलब सेम लॉयल्टी है। अब ये तो हरगिज़ से यानी कि ये आप इंप्रेशन अवाम पे हरगिज़ नहीं दे सकते कि आर्मी जो है वो एक सुपर ह्यूमंस का कोई इदारा है जिसमें कोई बंदा गलत नहीं है, हर बंदा 5 वक्त का नमाजी है तो रोज़े रखता है पूरे पूरे और बिल्कुल कोई बुराई नहीं करता, ये तो फरिश्ते ही पर रोक हो गया फिर, वो तो ऐसा तो नहीं है। जजेस कह लें आप, जजेस के सारे ठीक होते हैं? हरगिज नहीं है। कोई इदारा बता दें आप, आर्मी भी एक इदारा है, उन्हीं इंसानों से बना है जो इंसान पाकिस्तान से चूज़ हुए हैं, ये आप हरगिज नहीं कह सकते। ये आर्ग्यूमेंट इंतहाई बेसलेस है कि भाई आपने यहाँ पर शक किया है, भाई शक क्या किया है, फैक्ट है। मुशर्रफ देख लें, ज़ियालक देख लें, उन्होंने मार्शाला लगाए हैं जो कि एक गैर आइनी कदम है, एक लिहाज से गद्दारी हुई ना, माने ना माने NRO शनरो वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये तो ना कहना आप अगलों को बच्चा तो ना समझें आप। ठीक है, आप अपने स्टैचर के लिहाज से सुपीरियर लोग हैं, कोई शक नहीं है इसमें, जो आम पब्लिक के लिहाज से, लेकिन आप इस तरह तो ना करें ना, हमारी कॉमन सेंस को तो आप जो है चैलेंज ना करें।
हमारी इंटेलिजेंस को आप चैलेंज ना करें कि हम को यहाँ पे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आर्मी भी किदारा है, इंसानों से बनता है, इंसान गलती करते हैं, इंसान पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है। तो लेकिन लॉयल्टी पे कोई शक नहीं कर रहा। खान ने ये थोड़ा कहा आप, आपकी लॉयल्टी पे शक है, आप गद्दार है, ऐसा तो खान ने नहीं कहा। ये साफ लग रहा है कि आपका बिहाइंड द सीन, आपका दिल में कुछ और चल रहा है, कहना आप कुछ और चाह रहे हैं। खान ने वो बात की नहीं है जो आप कह रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब के लिए भी यही मेरे कॉमेंट्स हैं कि ये आपको तो ये बात सूट ही नहीं करती। ये आपने क्या बात कर दी है कि खान साहब ने क्या बयान दे दिया, म्यूटनी है, गैरानी बयान है। ये गैरानी बयान कहाँ से हो गया, कैसा नहीं हुआ? क्या नवाज शरीफ ने और जरदारी ने पहले क्लूड नहीं किया जजेस के लिए, करते रहे हैं, सॉरी जनरल्स के लिए कि नेक्स्ट जनरल कौन आएगा, करते रहे हैं। हिस्ट्री है, फैक्ट है। आप आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह, वो एक और चीज़ है, वो चलें वो हम ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। फैक्ट्स को तो आप ना झाड़ू मत दें ना, उसको छुपाएं जो कार्पेट के नीचे। फैक्ट्स तो हिस्ट्री में लिखे हुए हैं, कोई किताब खोल के देख लें। जजेस ने भी वही काम किए हैं सारे, जनरल्स ने भी वही काम किए हैं, सियासतदानों ने भी वही काम किए हैं। परफेक्ट बींग तो कोई नहीं आई किसी इदारे में, यानी कि फरिश्तों की फौज तो नहीं आ गई आर्मी में, या फरिश्तों की फौज जो है वो आ गई है आपके कोर्ट्स में आ गई है, ऐसा तो नहीं। हर बंदा ट्राई करता है बेस्ट होने की, वो ठीक है। आर्मी रिलेटिवली बाकी इदारों से प्रोफेशनल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, क्योंकि वो हाईली ट्रेंड होते हैं, उनका एक खास उनका एक स्टाइल है, एक ऑर्गेनाइज इदारा है, बात माननी है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है, और ऐसा मैंने कोई इंसान ही देखा जो गलती ना करे, ठीक है ना। वो छोड़ के फरिश्ते नबी उनको मैं इस बहस में नहीं ला रहा, उनको छोड़ के ऐसा तो कोई इंसान नहीं है, आप बता दें, ठीक है ना। तारिक जमील है, बड़े रिस्पेक्टेड है, क्या उन्होंने कोई गलती नहीं जिंदगी में की? मतलब ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो ना करें आप। या आप अपने आप को आप अपने आप को कोई पोर्ट्रे कर रहे हैं, पता नहीं कोई आप कोई जो है कुछ सुपर हीरोज टाइप कोई को बॉडी बन गई है, जहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, परफेक्ट बींग सारे। मतलब आप अपनी गलतियाँ तो एक्सेप्ट करें ना। ज़ियाउल्लाह ने जो किया वो गलती थी, मुशर्रफ ने जो किया वो गलती थी, आखिर वो जनरल थे ना, उसी ट्रेनिंग से ऊपर आए, उसी क्राइटेरिया से ऊपर आए, टॉप लेवल पे आए, उन्होंने जो है गंद किया, ठीक है ना। तो इतने लग रहा है कि आप नाइव बन रहे हैं, टर्म होती है ना नाइव, लगता है कोई यहाँ पे कोई नाइव हम बनना चाह रहे हैं, हम लोगों को किसी खास एक खास नैरेटिव बना के बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं कि जी खान जो है इसको किस तरीके से मान लिया। मानते हैं हम कि आप खान को वापस लाना नहीं चाह रहे, आप हर एक छोटी मोटी बात पकड़ रहे हैं, वो पिकिंग द स्ट्रॉ नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ें, ओ खान ने ये क्या कर दिया, खान ने बूट पॉलिश ज़्यादा कर दिया आज, खान ने आज ब्रश ज़्यादा कर लिया, खाना ज़्यादा खा लिया, इसको पकड़ो इसको, ये तो गद्दारी हो गई है। खान ने कोई गाड़ी तेज चला दी है, ये भी गद्दारी हो गई है, ये तो गैर आइनी कदम हो गया। लगता है इस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पे। ऐसा तो ऐसे तो ना करें ना आप। आपसे हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते। मैंने शुरू में कहा है हम चीफ जस्टिस से और आर्मी से इन जनरल ऐसी बातें एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट और तरह की है जो सियासतदानों में बाकी किसी डिपार्टमेंट की नहीं है। आपकी एक स्पेशल जगह है आपके, आप लोगों की दिलों में भी है और वैसे भी है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, आपने मुल्क बचाना है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक बंदे ने मुल्क बचाना है दुश्मन से, इससे बड़ी जॉब क्या हो सकती है, इससे बड़ी जॉब कोई हो नहीं सकती। और जजेस भी ऐसे हैं, आपने मुल्क बचाना है, जो भी गैरानी कदम होगा आपने वो रोकना है, तो इससे बड़ा काम भी नहीं हो सकता। लेकिन आप ऐसी बातें करके जो बातें हमारे हिसाब से आपके स्टैचर के लिए छोटी हैं, ठीक है ना। आप जिस जहाँ बैठे हुए हैं, हम तो आपको पता नहीं कहाँ रख के बैठे होते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, वो तो मतलब आम आवाम करते 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 पता नहीं यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं। और ऐसे ही होता है, और आर्मी भी ऐसे ही है, फौजी हैं ऊपर रैंक्स सारे, फिर चीफ जस्टिस जो COAS हैं, हमारी तो रिस्पेक्ट ही और तरह की होती है। आप खान साहब की छोटी छोटी बात उसको पकड़ रहे हैं आप कि जी तो म्यूटनी होगी, जी म्यूटनी कैसे होगी, क्या आपने वो काम पहले नहीं किए भाई? हिस्ट्री है,
हर इदारे में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो आर्मी हो, आपका जुडिशियल सिस्टम हो, सियासतदान हो, मीडिया हो, आम इंसान, आम आवाम भी, ठीक है ना, वो ठीक है रिलेटिवली, मैंने पहले भी कहा रिलेटिवली स्पीकिंग आपका इदारा चूंकि ट्रेंड है, प्रोफेशनली ट्रेंड है, तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि आप सारे फरिश्ते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आर्मी में पैगंबर नहीं होते, आर्मी में नबी नहीं है, आर्मी में फरिश्ते नहीं है, आर्मी में इंसान है, ठीक है ना, टू एर इज ह्यूमन। तो ये ना कह, ये आप ना सुनाएं कि जी आपने आर्मी के खिलाफ करके क्या कर दिया, भाई क्या कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं कि उसने वही बात की है जो पहले काम हो चुके हैं, वो आप छुपा रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं कबूतर की तरह, वो ठीक है, वी अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसे ना करें ना, आप झूठ को झूठ तो ना बोले ना आप एक लिहाज से, मुझे ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था लेकिन लग यही रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट ही और तरह की है। और चीफ जस्टिस साहब भी तुम्हारे हैं इस्लाम हाई कोर्ट के, सर आपसे तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सियासी, एक सियासी लीडर को आप ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे उसके सियासी बयान पे, ठीक है फ्लड है, आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि आजकल के लिहाज से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो डिबेटेबल हों, जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन हो, जिनमें कोई अपहीवल का वो आए, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन आप फिर सबको कहें ना, आप सिर्फ खान को कह रहे हैं जो कि गलत है, और खान ऐसी बात भी कोई नहीं की, आपने तो ये लफ्ज़ यूज़ किया है म्यूटनी कर रहा है वगैरह नहीं कर रहा है, तो इतना तो ना करें आप कि जिसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंतहाई मायूस कुन रिएक्शन आया है जो हमारे जस्टिस साहब हैं और हमारी आर्मी है, इंतहाई मायूस कुन, यानी कि इतना मायूस कुन है कि डिसअपॉइंटिंग है कि इस स्टैचर के लोग ऐसी बात भी करेंगे इस छोटे से इशू पे। हम मरी मारा को ब्लेम नहीं करते क्योंकि उनका तो काम है, वो सियासतदान है, वो करप्ट भी हैं, वो चोर भी हैं, वो तो करेंगे, वो उनको जायज़ है ये सारे काम करने क्योंकि वो हैं इस तरह के लोग। आप पे ये, आपको ये जायज़ नहीं है, बायस्ड होना आपको जायज़ नहीं है, आपको बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ही ऐसा है, जो जज है वो तो बायस नहीं हो सकता ना, और जो आर्मी है वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि आपका रोल ही ऐसा है, बाय डेफिनेशन आपका रोल ऐसा है कि आप बायस नहीं हो सकते। पर यहाँ आपने इतनी बायसनेस शो की है खान के साथ एक छोटे से बयान पे। वही बात है, जब खान अगर खाली खान ने कहा होता फिर तो यू नो वी अंडरस्टैंड कि खाली खान ने कहा है, पर खाली खान ने तो नहीं कहा, आप तो तोल के तो देखें उन्होंने क्या कहा है, इस खान ने क्या कहा है, और आपको पता भी है, ऐसा नहीं है आपको पता नहीं है, अफसोस भी इसी बात का है कि आपको पता है, पता होने के बावजूद आप नाइव बने हुए हैं। भाई मुल्क की बात है यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे स्टेक पे क्या है, खान के बयान से, आपके बयान से, चीफ जस्टिस के बयान से, बाकी लोगों के बयान से, स्टेक पे क्या चीज़ है, हम किस स्टेक की बात कर रहे हैं, स्टेक पे है पाकिस्तान, को गाड़ी स्टेक पे नहीं है, को मोटरसाइकिल, को नान छोले स्टेक पे नहीं है, पाकिस्तान एज एन एंटिटी स्टेक पे है। आपने इसको ईजी लिया है, हर बात खान के खिलाफ, हर बात खान के खिलाफ, खान किसी जज के खिलाफ कुछ कहे वो कंटेम्प्ट हो जाती है, वो दहशतगर्द हो जाता है, उधर उन्होंने आपको गालियां निकाली नहीं है, ठीक है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं लफ्ज़ ऐसे चूज नहीं करना चाह रहा जिससे कोई किसी को खर्ट हो, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बींग ए पाकिस्तानी, ठीक है ना, तो हम पाकिस्तानी भी हैं और हम मुसलमान भी हैं, हम तो ये हरगिज़ नहीं कर सकते बायस होना, ठीक है ना, सवाल तो पूछना हर बंदे का हक है, अगर हज़रत उमर से सवाल हो सकता है तो आप तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आप तो बिल्कुल कुछ नहीं है एक खलीफा के आगे, तो अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे ना करें कि आप कोई फरिश्ते हैं या कोई आपको पैगंबर हैं, कोई आप गलती नहीं कर सकते, ऐसे ना पोर्ट्रे करें इंसान को, आप अपनी रिस्पेक्ट अर्न करवाएं अपने अमाल से, जजेस के फैसलों से पता लगता है कि जज कितना अच्छा है,
और आर्मी जो है जब जंग कर दिया तो पता लगता है हाँ भाई हमारी आर्मी है। यही तो नहीं कि बातें करी जा रहे हैं आप कि जी बल्ले 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 हम बड़े अच्छे हैं हम तो बहुत परफेक्ट हैं, इससे तो कोई नहीं मानता ना, अमाल से पता लगेगा। जजेस का तो आसान काम है, आपका हर फैसला देख लो कि फैसला कैसा किया बंदे ने, तो आपकी रिस्पेक्ट बन जाएगी। आर्मी भी देख लो, जितनी जंगें हुई हैं आपने जंगों में क्या किया, आपकी रिस्पेक्ट बन जाएगी। आप अगर हर जंग हारे हैं तो रिस्पेक्ट गई, मतलब फेर अगर आपने सही मुकाबला किया डट के चाहे हार भी गए हैं तो रिस्पेक्ट बढ़ती है। पर आप कुछ और ही, अवाम को आप कुछ और बेच रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि अवाम को आप कुछ ऐसा बेच रहे हैं कि आप कोई जो है ना कोई आपका जो आपकी जो मॉरल ग्राउंडिंग्स हैं वो कोई इमॉर्टल है, वो कोई पता नहीं वो क्या आपने आपको मॉरलिटी पता नहीं कहाँ से मिली है। ऐसा नहीं है, इंसान ही गए हैं सरगोधा से, साहिवाल से, लाहौर से, पंजाब से, कराची से, जो आर्मी में गए हैं सारे वहीं जाकर ट्रेन हुए हैं प्रॉपर सब, मतलब जैसे ट्रेन लोग होते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स में तो। लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप कह सकते, अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये तो आपने हद तक कर दी है, तो हद तक क्या कर दी है, इंसान है आप। और झूठ भी नहीं बोला खान ने, बोला भी सच है, ठीक है ना। थोड़ा मतलब सच बोलने का हौसला पैदा करें, ये हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इस तरह के जो हैं सिली कमेंट्स देंगे आप, क्योंकि आपका तो मयार ही और है, यानी कि आपका तो स्टैचर ही हमारे जहन में फ़र्क है, हमारे दिल में भी फ़र्क है और जहन में भी फ़र्क है। इंतहाई मायूस किया आपने, हमारे चीफ जस्टिस ने भी बहुत मायूस किया है, डिसअपॉइंट किया है, और आर्मी ने तो खैर किया ही किया है, और उन्होंने पहले भी किया था और उन्होंने दोबारा किया, ठीक है ना। अगर आप अनबायस्ड नहीं हो सकते फिर आप खामोश बैठे, ठीक है ना। अगर आप बायस्ड हैं, अगर जज बायस हो गया तो जस्टिस तो गया भाड़ में, ठीक है ना। आपके पास केस लगे हुए खान के, तो अगर बायसनेस आ जाएगी तो केस तो वो बर्बाद हो गए, ठीक है ना। और आपने वैसे करने हैं, आपके ऊपर कोई है नहीं, ठीक है ना। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऊपर कोई है नहीं, आपने जो फैसला कर दिया वो फैसला हो गया, ठीक है ना। तो डिसअपॉइंटिंग है, अफसोसनाक है, इससे ज़्यादा कोई और हम हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। ये दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी हमारे दिलों में और दिमाग में एक अल्टीमेट रिस्पेक्ट है हर बंदे के जहन में, चाहे वो किसका भी हो, सवाए नून लीग के, क्योंकि उन्होंने आपको गाली निकाली हुई है, हमें पता है। पता क्या है, मतलब वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर बेशुमार, रिकॉर्डिंग्स हैं, हर जो हर वीलॉगर उसको बार बार प्ले करता है। तो नू लीग को छोड़ के बाकी तकरीबन हर बंदे के दिल में, डीजल और ये दो तीन बंदे और निकाल के, हर बंदे के दिल में आप रिस्पेक्ट, आम बंदा है जो एक ले मैन है उसके दिल में तो है, ठीक है ना। तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि भाई अगर आप ये इस तरह की बायसनेस शो ना करें किसी एक बंदे के अगेंस्ट, इवन प्लेइंग फील्ड दें, सबकी बात करें, सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। हमें देखें, जैसे आपने खान को भी किया क्रिटिसाइज, उन्होंने डीजल को भी किया है, उन्होंने फ्लां को भी किया है, जहां जहां जो जो गलत था, तो फेयर एंड स्क्वेयर। आप हर बात खान को पकड़ लेते हैं छोटी छोटी बात पे, स्पीच है, जलसे में स्पीच की है, ऐसी बात ही कोई नहीं की, जो बात की है वो फैक्ट है, वो सच है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, सच में क्या प्रॉब्लम है आपको। या तो खान ने कोई बात घड़ी होती ना, कोई कंकॉक्ट की होती, कोई ऐसा कोई बनाया होता नून की तरह जैसे बनाते हैं वो, फिर तो आप कहते हैं कि यार ये खान साहब आप झूठ बोल रहे हैं। वो तो मैं भी कहता कि यार ये खान साहब ये क्या बदतमीजी है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। जब बंदा सच बोल रहा है उस पर आप तनकीद क्यों कर रहे हैं। ठीक है, टाइमिंग का इशू हो सकता है, वो एग्री कि फ्लड के दिनों में इस तरह की, चलो वहाँ तक जायज़ है, लेकिन आप ये तनकीद नहीं कर सकते कि ये तो म्यूटनी है, ये तो गैर आइनी है, तो ये हमारे जो हमारे आर्मी जनरल्स हैं उनकी लॉयल्टी पे शक नहीं कर सकते। हम लॉयल्टी पे शक कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। इस तरह की बातें जो हैं ये एक्सट्रीम स्टांस होता है ना, ये काम ख़राब करता है।
ठीक है, खान के पीछे पूरा पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान में भी और बाहर के लोग सारे। तो आप इस तरह आप अवाम की इंसल्ट ना करें ऐसी बातें करके जो बातें सही नहीं है। ठीक है, हम आपकी तरह जहीन लोग नहीं हैं, हमारा आपकी तरह वो एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं ऑब्वियसली। ये तो आप अवाम की इंसल्ट कर रहे हैं कि यानी कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई ये अवाम तो बेवकूफ़ है, इनको जो कहो वो मान लेंगे। अरे ऐसा तो नहीं होगा, आप अपनी रिस्पेक्ट लूज़ कर रहे हैं ऐसी बातें करके, बल्कि लूज़ कर चुके हैं आर्मी की खास तौर पे, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलें, ये काफ़ी लंबा व्लॉग था, थोड़ा जज्बाती भी था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें कि हम हमारा इस वक्त स्टेक पे क्या लगा हुआ है। हमारे स्टेक पे पाकिस्तान लगा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट है, वाहिद इस्लामिक स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। हमारी इकॉनमी कहाँ जा रही है, डॉलर कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, हमारी रेपुटेशन दुनिया में क्या रह गई है, बर्बाद कर दिया आपने सबने, ठीक है ना। तो अगर लॉयल, अगर आप कहते हैं, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप लॉयल हैं और पैट्रियट हैं, जो कि आप हैं, तो उसको साबित भी करें अपने एक्शन से, गली बाती नहीं, एक्शन शो करे। एक क्रिकेटर ने अगर सेंचुरी नहीं करनी किसी मैच में और बातें करी जा रहा है वो कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ, कह यार तूने कोई सेंचुरी मारी है नहीं, तो तू कौन है, ठीक है ना। एक्शन ही है वो क्या इंग्लिश में कहते हैं, वॉक द वॉक और टॉक द टॉक, वो वाला सीन है, मतलब कोई करके दिखाए ना। आपने ये कॉमेंट दिया, आप इसको सब पे लागू करते, आर्मी भी सब पे लागू करती कि भाई देखें खाने ये बात की है, खाने बात गलत की है, लेकिन बाकियों ने इससे भी गलत बातें की हैं, फिर तुम कहते हैं हाँ यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अनबायस्ड हैं, आप ए पोलिटिकल हैं सो कॉल्ड। और जज साहब भी ऐसे ही है, आपने ठीक है खान पर तनकीद की है, तो बाकी को भी बीच में लेके आते ताकि शो होता कि आप ट्रूली अनबायस्ड हैं, गली बाती नहीं। ठीक है, चले जी, मैंने अब जो है लॉन्ड्री भी करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।